नमस्कार दोस्तों, देश में 2024 में लोकसभा का चुनाव है, लेकिन इस बार के चुनाव में बहुत कुछ अलग देखने को मिलेगा। इस बार के चुनाव में क्या हिंदू मुसलमान मुद्दा बनेगा? इस बार के चुनाव में क्या मंदिर मस्जिद मुद्दा बनेगा? इस बार के चुनाव में क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान मुद्दा बनेगा? अगर आप ये सोच रहे हैं तो नहीं, इस बार के चुनाव में मुद्दा बनेगा महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार और इन मुद्दों के साथ विपक्ष की पार्टियां यानी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व वाली पार्टियां भी चुनावी मैदान में उतरेगी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए में शामिल पार्टियां भी। लेकिन आपको बताने जा रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों के एकजुट होने का नतीजा अब दिखने लगा है और विपक्ष की जो तीसरी बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली है, उससे पहले ही मोदी सरकार ने अब जनता के हित वाले मुद्दे को अब उछालना शुरू कर दिया है। अब जरा सोचिए, सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? महंगाई। जी हाँ, बीजेपी के लोग 2014 से पहले सिलेंडर लेकर बैठकर गाना गाते थे, महंगाई डायन मार जात है। लेकिन आपको मालूम है सिलेंडर का कीमत कितना बढ़ गया, ऊपर से सब्सिडी भी खत्म हो गई थी। तो अब मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि 200 रुपए जो है वो सब्सिडी की राशि दी जाएगी। अब 200 रुपए सब्सिडी की राशि मिलेगी तो कहीं ना कहीं आम लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। लेकिन ये राहत तब मिल रही है जब अगले साल 2024 में लोकसभा का चुनाव है। ये डर दिखा रहा है, ये जनता के हित में जो फैसले लिए जा रहे हैं ये डर दिखा रहा है 2024 का, क्योंकि 24 में जो 2024 में लोकसभा का चुनाव है उस चुनाव में मुकाबला नरेंद्र मोदी का विपक्ष के अलग अलग पार्टियों से नहीं बल्कि इंडिया एलायंस में शामिल तमाम घटक दलों से एक साथ होनी है। 26 दल के नेता एक साथ एक मंच पर आएंगे और जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरकर मुद्दे का ऐलान करेंगे और अपना एजेंडा बताएंगे कि देश में किस तरीके से बेतहाशा महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी किस कदर बढ़ गई है, सरकारी नौकरियां तो मिल नहीं रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे 2 करोड़ नौकरी हर साल का, उन वादों को नरेंद्र मोदी जी भूल गए हैं। तो जरा आप सोचिए कि अब मोदी जी को भी तो जवाब देना होगा। 200 रुपए जो है वो सब्सिडी का ऐलान कर दिया है। 2024 का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। और देखिए, ये जो महंगाई पर अब सरकार ने फैसला लिया है, गैस सिलेंडर पर सब्सिडी का, ये पहले था लेकिन अब ये फैसला इस वजह से लिया गया है क्योंकि अब हिंदू मुसलमान पर चुनाव नहीं लड़ सकते, अब मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि हाल ही में बिहार में जो वैकेंसियां निकली उसमें उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ के सरकार वाले उत्तर प्रदेश के युवा बिहार में आकर परीक्षा दे रहे थे और ये कह रहे थे कि जो राम मंदिर बना है उस राम मंदिर में हम लोग पढ़ लिख कर महंत बनेंगे क्या, साधु बनेंगे क्या। तो ये बता रहा है कि अब जनता जाग रही है और इसका संदेश सीधे जो है वो पहुंच रहा है मोदी सरकार की कुर्सी पर। तेजस्वी यादव जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, तेजस्वी यादव ने कहा कि अब तो धीरे धीरे मुद्दे पर आ रहे हैं, आगे इनको और मुद्दे पर लाएंगे। देखिए, अब नरेंद्र मोदी भी इस बात को समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करने से 24 में वोट मिलने वाला नहीं है। जिस राष्ट्रवाद को मोदी सरकार ने मुद्दा बनाया, दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन इंडिया ने अपने एलायंस का नाम INDIA रखकर ये साबित कर दिया, दिखा दिया कि हमसे बड़ा राष्ट्रवादी आप नहीं हैं। अब 2024 का चुनाव है तो डीजल और पेट्रोल का कीमत जो है अभी और गिरेगा। डीजल पेट्रोल के कीमत में अभी और आपको गिरावट देखने को मिलेगी। महंगाई धीरे धीरे कम होगा, लेकिन ये आखिरकार 2024 के चुनाव से पहले जो मोदी सरकार ने फैसला लिया है अगस्त महीने के अंत में, आज तो तारीख 29 अगस्त है ना, अगस्त महीने के अंत में ये फैसला सीधे समझ लीजिए मोदी जी के कुर्सी के असर दिखा रहा है कि मोदी जी की कुर्सी जो है वो जा सकती है।
अगर वो जनता के हित में फैसला नहीं लेंगे, अगर वो जनता के हित की बात नहीं करेंगे, अगर वो महंगाई बेरोजगारी जैसे प्रमुख मुद्दों को मुद्दा नहीं बनाएंगे। देश में मुद्दा है किसान, देश में मुद्दा है महंगाई, देश में मुद्दा है बेरोजगारी, देश में मुद्दा है भ्रष्टाचार, और देश में मुद्दा है नरेंद्र मोदी के सिपह सलाहकार, जो आज के दिन में बड़े बड़े घोटाले के आरोपी हैं, उन्हें मोदी जी अपने साथ लेकर बैठे हैं। ये सब बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मोदी सरकार धीरे धीरे फैसले अब जनता के हित में ले रही है और चुनाव से पहले दिखा रहा है कि बेचैनियाँ बहुत बढ़ गई हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, आपकी जो प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। धन्यवाद।